हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक BK24 स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। 15 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पर देखेंगे और साथ ही साथ उन प्रश्नों से रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको यहां से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। ओके, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इसी तरीके से 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में दो प्रश्न पूछे गए थे, आप में से काफ़ी लोगों ने उनके आंसर दिए थे। तो क्या थे उन दोनों प्रश्नों के सही जवाब, इस वीडियो के लास्ट में आप वो भी जान सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानक दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व स्टैंडर्ड होगा, मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट बताऊँगा बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, उद्योग उपभोक्ताओं नियामकों और सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसका उद्देश्य है कि विश्व भर को समझाया जाए जो मानक बनाए गए हैं उसका सही से जो है पालन करे, ठीक है, उनके महत्व को समझाया जाए। इस दिवस को 1970 से मनाया जा रहा है, दुनिया भर में विभिन्न अलग अलग तरीके से इस दिवस को मनाया जाता है। इसका जो विषय रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय मानक और चौथी औद्योगिक क्रांति, इस वर्ष का इसका ऐसा विषय रखा गया था। तो इसी के ऊपर जो है दुनिया भर के सेमिनार वगैरह आयोजित हुए और इसी के बारे में जगह जगह चर्चा हुई। तो आप इसको याद रखिएगा, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि हाल ही में 13 अक्टूबर 2018 को CSIR का नाम आपने सुना होगा, इनके जो नए महानिदेशक हैं वो किसे चुना गया है, ठीक है। CSIR का नया महानिदेशक चुना गया है, याद रखिएगा, शेखर सी मांडे को। और यहाँ से जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, इससे पूर्व अगर बात करें तो ये पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के निदेशक थे और अब जो है इनको यहाँ पर CSIR में निदेशक के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। CSIR की अगर बात करें तो इसके पूर्व महानिदेशक थे ग्रीस सहानी, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो गए थे और उसके बाद ये पोस्ट खाली थी। इसके जो है इनके जाने के बाद जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था वो प्रौद्योगिकी सचिव आशुतोष शर्मा को दिया गया था, ठीक है। तो यही जो है महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे, अब जो है इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, शेखर सिंह मांडे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो इसी से याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, 16 अक्टूबर 2018 को 6ठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो 16 अक्टूबर को जो है 6ठे भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय सिल्क महोत्सव मेला है उसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ये केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय मेले में देश भर के विभिन्न हिस्सों से जो सिल्क उत्पादन करते हैं वो लोग आएंगे और जो सिल्क का जो प्रदर्शन है उनके जो उत्पाद होंगे उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं श्री अजय टमटा, ये भी इसमें जो है भाग लेंगे। और भारत याद रखिएगा दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है दूसरे नंबर का रेशम का, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, चीन जो है पहले नंबर पे है रेशम उत्पादन में और भारत दूसरे नंबर पे है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है रेशम उत्पादन में, ओके। इसके बाद देख लीजिए चौथा क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में रेलवे ने रेल यात्रा पूछताछ का जवाब देने के लिए एक सिस्टम शुरू किया है, इस सिस्टम का नाम क्या है? जब आप रेल यात्रा करते हैं तो उसमें जो अलग अलग तरीके की जो पूछताछ होती है, आप खाने से रिलेटेड अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी, तो इसके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, एक जो है पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, ये चैटिंग वाला सिस्टम है, आप उसमें जो है अपना क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है आस्क दिशा,
ओके आस्क दिशा इसका नाम रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे जो ये दीदी हैं वही हैं आस्क दिशा, यही आपको सब कुछ इसमें बताएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, ओके जो भी क्वेश्चन आप उसमें सर्च करेंगे टाइप करेंगे उसका आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। याद रखिएगा कि जो IRCTC है उसके अनुसार रेलवे पहला ऐसा सरकारी विभाग बन गया है जिसने इस तरह का सिस्टम शुरू किया है। ओके इससे पहले रेलवे के अनुसार अगर हम रेलवे की बातों पे भरोसा करें तो उसके अनुसार रेलवे ने ये बोला है कि अभी तक इस तरीके का पोर्टल इस तरीके का सिस्टम किसी भी और डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया था। इस सिस्टम के जरिए यात्री टिकट बुकिंग से लेकर कैटरिंग तक के सवालों के जवाब आसानी से सर्च कर सकते हैं। ठीक है तो आप जो है इसको IRCTC की जो साइट है वहाँ पर जाके एक बार एक्सपीरियंस करिए, इसका आपको मज़ा आएगा। ठीक है कोई भी क्वेश्चन सर्च करिए आंसर आपको मिल जाएगा। रेलवे से संबंधित मुख्यालय याद रखिएगा जो IRCTC का जो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कितने सालों में भारत का प्राकृतिक आपदाओं में 7.95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो याद रखिएगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कहा गया था कि भारत ने 20 वर्षों में 79.5 अरब डॉलर के संपत्ति का नुकसान हुआ है इसको। ठीक है इतने पैसे का इसको नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है बेसिकली इसका सबसे पहले याद रखिएगा जो शीर्षक है किस शीर्षक से जारी किया गया है, ये किया गया है आर्थिक नुकसान गरीबी और आपदा 1998 से 2017 तक के आंकड़े इसमें मौजूद हैं और उसी के बेस पे यह चीज़ बताया गया कि किस देश को कितना नुकसान हुआ है जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनकी वजह से। इस रिपोर्ट में भारत को 1998 से 2017 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो पहले के मुकाबले 151% की वृद्धि इसमें हुई है। इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है वो 151% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में अगर बात करें तो शीर्ष स्थान पे इसमें अमेरिका को रखा गया है जिसको कि 944.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदाओं से। ठीक है इसके बाद इसमें चीन और जापान का नंबर है जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर है। तो बेसिकली हमें याद रखना है पहले नंबर पे याद रख सकते हैं आप लोग, साथ में ये चीज़ याद रखेगा कि भारत को जो है इतने डॉलर का इसमें नुकसान हुआ है इतने अरब डॉलर का। ओके 151% जो है वृद्धि हुई है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि 14 अक्टूबर 2018 को शंघाई मास्टर्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया, किसके द्वारा जीती गई है शंघाई मास्टर का जो खिताब होता है ये किसके द्वारा जीता गया। तो ये जीता गया है याद रखिएगा नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया है। यहाँ से जो पॉइंट बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो पुरस्कार है ये 3 साल बाद ये खिताब इनको प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2012 में भी ये खिताब जीत चुके हैं, 2013 में जीत चुके हैं और 2015 में भी ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये 3 बार पुरस्कार जीत चुके हैं लगातार 2012, 13 और 15 में। ठीक है अब जो है इनको 3 साल बाद यानी कि 2018 में ये जो खिताब है वो प्राप्त हुआ है। तो ये जो है इसको याद रखिएगा इनको इन्होंने जो ये खिताब प्राप्त किया है वो क्रोशिया के बोरान कोलिस को हरा कर प्राप्त किया है। ओके तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में शंघाई मास्टर्स का जो जो अभी यहाँ प्रतियोगिता है उसके बारे में याद रखिएगा कि एक पेशेवर पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है जो चीन स्थित शंघाई में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रॉनपी युआन, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो याद रखिएगा मुद्रा याद रखिएगा राष्ट्रपति याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको याद रखना है राजधानी और जो ये टूर्नामेंट है वो क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। ओके और हर साल इसी तरीके से ये मनाया जाता है। यहाँ पर से ये पॉइंट मैंने आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 बार जीता है और रिकॉर्ड जो है 4थी बार इन्होंने ये खिताब जीत लिया है 2018 में। इसके बाद देखिए हमारे पास 7वां क्वेश्चन है कि यूथ ओलंपिक 2018 में महिला पहलवान सिमरन ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखिएगा सिमरन ने जीता है रजत पदक। ठीक है रजत पदक प्राप्त हुआ है इनको और इनने जीत जो हराया था वो हराया था अमेरिका की एमिली सिल्सन को। ठीक है तो यहाँ पर से इसी याद रखिएगा रजत पदक इनको प्राप्त हुआ है यूथ ओलंपिक 2018 में।
इसके बाद देख लीजिए आठवां क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा साहित्य में न्यू एकेडमी पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है अभी नोबल पुरस्कार के वैकल्पिक पुरस्कार के तौर पे ये दिए गए हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है जो कि न्यू एकेडमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है मैरिस कोंडे को। ठीक है, मैरिस कोंडे को ये पुरस्कार दिया गया है। और याद रखिएगा कि साहित्य में न्यू एकेडमी पुरस्कार जो है वो लेखिका मैरिस कोंडे को प्राप्त हुआ है। 81 वर्ष की इनकी आयु है और इनको ये पुरस्कार जो है 47 मनोनीत लेखक थे उनमें से ये उन सभी को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार इनको दिया गया है, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर बात करें मैरिस कोंडे की तो ये ग्वाडेलाप देश की लेखिका हैं। ग्वाडेलाप देश का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ये जो है इसी देश की लेखिका हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन्होंने 20 से ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली अफ्रीकन मूल पे जो है जो उपन्यास लिखे हैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ वहाँ पर जो है जो उपनिवेशिक कल्चर है उसको जो है इन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा है। और जो है यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 47 मनोनीत लेखकों को इन्होंने हराते हुए पछाड़ते हुए ये पुरस्कार प्राप्त किया है। अभी पुरस्कार दिए क्यों गए ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनका जो उपन्यास है प्रमुख उपन्यास मैरिस कोंडे का, ये जो है देसी राधा सेगू और क्रॉसिंग द मैनग्रोव, इनका जो है ये उपन्यास है। न्यू एकेडमी की अगर बात करें कि ये है क्या चीज़ जिसने ये पुरस्कार दे दिया, तो याद रखिएगा इस जो एकेडमी है इसमें 100 से अधिक स्वीडिश लेखक आर्टिस्ट एवं पत्रकारों का समूह है। और इस पुरस्कार की घोषणा वैकल्पिक नोबल साहित्य पुरस्कार के रूप में की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष नोबल का साहित्य पुरस्कार साहित्य का नोबल पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये विरोध स्वरूप जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, ये जो पुरस्कार है न्यू एकेडमी की तरफ से ये पुरस्कार इनको दिया गया है। इस चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, वैकल्पिक तौर पे है ये, वैकल्पिक नोबल पुरस्कार है ये, याद रखिएगा। ओके, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9th वाला कि हाल ही में जारी RTI रैंकिंग 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है RTI रैंकिंग 2018 में। लगातार भारत की रैंकिंग इसमें गिरती जा रही है। 123 देशों की सूची थी जिसमें से 123 देशों में से 6ठा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 2011 में इसका स्थान दूसरे स्थान पे था ये, और 2011 के बाद से जो है लगातार किसी न किसी तरीके से ये नीचे आता जा रहा है। ओके, ये जो रैंकिंग है ये गैर सरकारी संस्था एक्से इनपो यूरोप और सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी के संयुक्त प्रोजेक्ट के तौर पे जो है आधारित है, उसी के ऊपर जो है ये रैंकिंग दी गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा ये रैंकिंग दी गई है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर से 2-4 पॉइंट और हैं। ये जो रिपोर्ट है ये विभिन्न देशों में सूचना का जो अधिकार है उस कानून की खूबियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, और इस सूची में शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान है। तो याद रखिएगा शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, और भारत 6ठे स्थान पर, ये भी याद रखिएगा। 10वां है कि हाल ही में किस देश ने भारत के आधार कार्ड मॉडल को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। तो याद रखिएगा कि मलेशिया ने अभी हाल ही में भारत का जो आधार कार्ड है उसके जो आधार कार्ड की जो खूबियां हैं वो मतलब पूरी तरीके से अपनाने की यहाँ पर इच्छा जाहिर की है। और यहाँ से इसका जो मानना है मलेशिया का, उसका ये मानना है कि जो आधार कार्ड है भारत का, ओके, इसमें जो है काफ़ी ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे देश में भी मतलब हम अगर कोई पहचान पत्र हम दे रहे हैं अपने नागरिकों को तो उसमें भी होनी चाहिए। तो उसी को लेकर जो है इन्होंने इच्छा प्रकट की है और प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बारे में बात की है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके हम मतलब मलेशिया और भारत के बीच में इसको लेकर कोई डील हो सकती है। राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है, मुद्रा है यहाँ की मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री है महातिर बिन मोहम्मद। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है यहाँ की, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद देख लीजिए, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था विश्व आवास दिवस, ठीक है, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना था। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। तो याद रखिएगा विश्व आवास दिवस इस बार 1 अक्टूबर को मनाया गया था। इस बार 1 अक्टूबर को मनाया गया था, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, और 1 अक्टूबर ही इसमें सही आंसर क्यों होगा ये भी आप देख लीजिए। देखिए विश्व आवास दिवस यह है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर का एक ही ऑप्शन था तो जाहिर सी बात है यही सही होगा।
ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके लिए फिक्स डेट नहीं है, 1 अक्टूबर को हर साल नहीं मनाया जाता, हो सकता है कभी 2 को मनाया जाए, कभी 3 को मनाया जाए, या फिर कभी कभी 4 या 5 को भी मनाया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है वो है मानवता का आवास के महत्व को समझाना, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया है, ये बेसिकली ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख लीजिए सेकंड वाला कि 21 सितंबर 2018 को किस देश के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का निधन हो गया। तो याद रखिएगा कि त्रान दाई क्वांग का निधन हो गया 21 सितंबर को। ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे और 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था हनोई में। ओके, राजधानी है आपकी वियतनाम की हनोई और मुद्रा है यहाँ की दोंग। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राजधानी, मुद्रा और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति का निधन हुआ है 21 सितंबर को, इनका भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए हमारे पास आपके लिए आज के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2018 को किन 2 कलाकारों को स्किल इंडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बताइए मुझे किसको नियुक्त किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी एक हिंट देता हूँ आपको। अभी एक जो है मूवी है, तो मूवी भी जो है इनकी आई हुई है। तो कौन सी मूवी है वो, उसी मूवी जो एक्ट्रेस हैं उन दोनों को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो बताइए मुझे, सही आंसर दीजिएगा कमेंट करके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विश्वभर में अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए, ये इसका आंसर भी आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। तो बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चाहे आप अपने फेसबुक पेज पर करिए, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।